स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ टाइम्स नाउ के हमारे समिट में आए, और ये स्पेशली आपको धन्यवाद हम पूरे नेटवर्क की तरफ से कहना चाहेंगे। अभी आप चिंतन शिविर से आए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस सब के बीच में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये क्या मॉडल है जो कि अब नया राजनीति का आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भाजपा अडॉप्ट कर रही है? बहुत लोग कह रहे हैं कि एक एक गुजरात मॉडल पूरे देश में रेप्लिकेट हो रहा है कि हर भाजपा के मुख्यमंत्री अब 24/7 हो गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने हमें यहां बुलाया और सबके सामने मिलने का अवसर प्रदान किया, अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवाद। और जहां चिंतन शिविर की बात आपने करी, चिंतन शिविर माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से उन्होंने प्रारंभ किया था, और अब चूंकि चिंतन शिविर में हर राज्य का अपना एजेंडा होता है, हमारे राज्य का एजेंडा है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, और 25 साल के लिए हम क्या क्या रोड मैप बना सकते हैं, कैसे चीजों को सरल कर सकते हैं, पहाड़ जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में कैसे लोगों के लिए आसान पहुंच बना सकते हैं, आसान उनके लिए रास्ता बना सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का आसान हल कर सकते हैं, और एक रोड मैप अगले 3 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का उत्तराखंड का क्या होगा, इस पर हमने विशेष रूप से चर्चा करी है। और बहुत सकारात्मक ये हमारा पूरा चिंतन शिविर रहा है। इसके माध्यम से जहां आज हमने प्रदेश की जो आला ब्यूरोक्रेसी थी उनके साथ और जिलों के जितने हमारे मजिस्ट्रेट डीएम उन सबको बुलाया था, अब ये जो काम हमने यहाँ ऊपर से शुरू किया है, एक जो मॉडल है, एक रोड मैप है, वो नीचे तक जाए और ये काम हमारे जिलों में भी शुरू हो, जिलों के बाद हमारे ये काम तहसील स्तर पर हो, ग्राम सभा स्तर पर हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं का हम ठीक प्रकार से उसका उपयोग कर पाए, ठीक प्रकार से लाभ उठा पाए, और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो पाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि में 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि ये आने वाला दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उनकी भी विशेष जो हमसे अपेक्षा है उसके अनुरूप हम सब लोग कार्य कर पाए, इसलिए पूरी मशीनरी के साथ हम लोग बैठे थे। सर, ये जो क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिया एज अ ब्राइट स्पॉट इन डेमोक्रेसी, उत्तराखंड से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हमारे ऑडियंस में कई लोग हैं जो उत्तराखंड से हैं, बहुत कड़ी संघर्ष के बाद उत्तराखंड मिला है उत्तराखंड के लोगों को। अब जबकि 25 साल हो गए और आप चिंतन शिविर कर रहे हैं, अगले 5 सालों का, अगले 25 सालों का क्या वो रोड मैप है जो 3 चीजें आपने डिसाइड की हैं? क्योंकि अभी तक जो वहां के युवा हैं उनके लार्जली 3 चीजें रहती हैं जिसको वो लुक फॉरवर्ड करते हैं, या तो आर्मी, या टूरिज्म देवभूमि है, या तो रिलीजियस टूरिज्म या आपका प्राकृतिक टूरिज्म की वजह से, या फिर आप जो है वहां पर अकेडमिक्स में चले जाए, प्रोफेसर एक्सेट्रा। उसके आगे क्या क्या उत्तराखंड के लोगों को अगले 25 साल में आते? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी उत्तराखंड 22 साल का हुआ है, अभी हमने 22वां स्थापना दिवस अपना मनाया है, 22 साल उत्तराखंड के पूरे हो गए हैं, और 25 साल जब पूरे होंगे उस समय के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि हम हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट हमारा कोई ना कोई अपनी बेस्ट प्रैक्टिस दे, जिसके आधार पर प्लान रुकना चाहिए। हमारे माइग्रेशन प्लान बहुत बड़ी समस्या है, और प्लान तभी रुकेगा जब रोजगार आएगा। रोजगार को लेकर जहां हम जो हमारे SSGs हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, स्वरोजगार के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई है, मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई है, होम स्टे को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो लोन योजना है, ऋण की योजना है, उसमें भी हमने बहुत सारी सब्सिडी का प्रावधान किया है जिससे कि लोगों को वहां पर रोजगार मिले। और अब रोजगार देखिए, सरकारी नौकरियां वो तो हमारी प्राथमिकता में है ही है कि जितने भी हमारे यहाँ लगभग अभी 20,000 पद खाली हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है।
7,000 पदों पर पहले से चल रही है, और भी सारे डिपार्टमेंट को निकाल रहे हैं तो लगभग 50,000 के करीब हमारे पास सरकारी नौकरियां आने वाले सालों में खाली हो जाएंगी, जिन पर हम नई नियुक्तियां कर पाएंगे। लेकिन इन 50,000 नियुक्तियों से काम चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे ये युवा हैं, नौजवान हैं, ये केवल रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में ये रोजगार देने वाले बने, हमारा फोकस वहां पर है। पर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, व्यवसाय टूरिज्म ये सब है जो कि जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं, इसमें उत्तराखंड में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहता है कि पर्यावरण और विकास के बीच में एक परस्पर संघर्ष रहता है। जब भी रोड चौड़ी करने की कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, तो PIL सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई रोड चौड़ी मत कीजिए, इससे पर्यावरण का डैमेज हो, और होता है भूस्खलन भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम रही है। तो कैसे आप इसको रिकनसाइल करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट संघर्ष। पद्मा जी, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस बात को सुनना भी चाहेंगे। देखिए, जब डेवलपमेंट होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हम सब लोगों को होती है, और उसके कारण से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंततः आज देखिए आप कि ऑल वेदर चार धाम रोडें बनी हैं। एक जमाना था कि बद्रीनाथ पहुंचने में, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जब हम पहुंचते थे तो 2-3 दिन लगते थे, 2-3 दिन से गाड़ी से यात्रा होती थी, और आज हम 6-7 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। लेकिन हम लोगों का जो मॉडल है उत्तराखंड के अंदर, जो हमने मॉडल बनाया है, वो मॉडल हमने बनाया है इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे, यानी कि दोनों चीजें रहे, क्योंकि इकोलॉजी भी बची रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य भी है जो सभी को अच्छी हवा देने का काम करता है, गंगा यमुना और अनेकों नदियां जो है वहां से निकलती हैं, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। हमारे यहाँ पर 70% से भी ज्यादा जो हमारा भूभाग है वो फॉरेस्ट है, तो इतनी सारी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो केवल हमारे काम नहीं आती है, केवल उत्तराखंड के काम नहीं आती है, वो पूरे देश को हम लोग देने का काम करते हैं, पूरी दुनिया को एक तरह से देने का काम करते हैं। तो इसीलिए दोनों ये मॉडल जो भी है, ये हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस का है। जब आपने जॉब्स जॉब क्रिएशन की बात की, एक बहुत मेजर सेटबैक धक्का लगा था कोविड के दौरान, कई उसमें आपने स्कीम्स भी लाए थे जहां पर लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो कि स्पेशली टूरिज्म सेक्टर में जुड़े हुए थे। क्या उत्तराखंड बाउंस बैक हो पाया है, क्योंकि वो 2 साल ने एक तरह से कमर तोड़ दी थी जो नंबर 1 इंडस्ट्री है उत्तराखंड की। अभी अभी हमारे जो जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में इस कोविड महामारी के दौरान हमारा -5 में हमारी इकोनॉमी चली गई थी, और वो अब बढ़कर 7.5 में आ गई है, यानी कि हमने लगभग 12.5% की बढ़ोतरी करी है, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग इस महामारी के दौरान पूरे देश भर से जो बेरोजगार हुए थे, वो बेरोजगारी अपनी नौकरी छोड़कर आए थे देश प्रदेशों में, कोई कहीं काम करता था, कोई कहीं काम करता था। हमने उस समय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे, कम से कम लाखों लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जुड़ने का भी अवसर वहां पर मिला है, अपना रोजगार कर रहे हैं। एक थी महामारी, दूसरी प्रॉब्लम उत्तराखंड के साथ है जो प्राकृतिक आपदा आती रहती है, इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कि इससे जो लॉस ऑफ लाइफ होता है उसको रोका जा सके, एक परमानेंट सॉल्यूशन? देखिए, इसके लिए हम एक वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बड़ा अनुसंधान का केंद्र हम लोग वहां पर बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदाओं का जो होने वाला नुकसान है उसको कम कर सकते हैं, उसके पूर्वानुमान हमको मिल जाए, पहले जानकारी मिल जाए। और वर्तमान में हमने आपदा के लिए बहुत तेजी से काम किया, इस बार जितने भी डिजास्टर हमारे यहाँ पर आए उस पर तेजी से हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट ने काम किया, हमारे जिले के सारे ऑफिसरों ने काम किया, और मैं स्वयं भी सभी जगह पर स्वयं मॉनिटरिंग करता रहा, और आपदा के समय में हमने लोगों की सुविधाओं के लिए उनको त्वरित रूप से उपचार मिले, त्वरित रूप से उनको अच्छे अस्पतालों तक ले जाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए, जहां समय समय पर हमको सेना की भी मदद मिलती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी, हमने अपनी तरफ से 2 हेलीकॉप्टर भी, एक गौचर में परमानेंट रूप से चमोली जिले में, और एक पिथौरागढ़ के धारचूला में सीमांत क्षेत्र में, अक्टूबर तक हम हेलीकॉप्टर की भी सेवाएं देते हैं, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, STRF की टीम,
हमारी हमेशा तैनात रहती है और उसके लिए हमने एसडीआरएफ की अनेकों बटालियनें खोल रखी हैं और बीच बीच में भारत सरकार की भी एनडीआरएफ इनकी भी मदद हमको मिलती रहती है वहां पर। थोड़ी राजनीति की बात हो जाए, अभी हमने विकास की बात की एंड विकास और राजनीति ऑब्वियसली हैंड इन हैंड चलते हैं। पहली बात ये बताइए कि आप पे प्रेशर पड़ता है, आप यंगेस्ट मुख्यमंत्री हैं, ऑल्सो थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल है बट काफी खींचतान रहती है कुमाऊं गढ़वाल के बीच में परस्पर, कुछ और सीनियर नेता भी हैं आपकी पार्टी में, वहां पर प्रेशर रहता है आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली, प्रेशर टू परफॉर्म एंड एक जो इन फाइटिंग की लगातार खबरें आती रहती है पावर टसल की। आपको लग रहा है मैं प्रेशर में रहता हूँ? ये आपने जवाब गोलमोल कर दिया, फिर भी मतलब खबर रोज पढ़ते हैं तो कुछ तो आपने कहा कि मैं कैसे डील करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को उन्होंने सीधे मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी, उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते काम करने का अवसर प्रदान किया। ये जरूर है कि मैं सबसे कम आयु में बना, सबसे कम आयु में मुझे जिम्मेदारी मिली, जहाँ इस एक चुनौती भी मेरे लिए थी और वही पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, क्योंकि जैसे परिवार में छोटा कोई होता है तो उसको सब लोग लाड़ ही तो करते हैं, लाड़ करते हैं ना, तो वैसे ही जो है सारे लोग मुझे भी लाड़ करते हैं कोई भी छोटी मोटी बात चलती है। अच्छा, क्योंकि जब आपका चुनाव लड़ा गया था तो वो डबल इंजन की सरकार के स्लोगन पर लड़ा गया था, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है क्योंकि जो सक्सेसेस होंगी उसके साथ साथ अगर कभी स्लिप अप होता है तो लोग सवाल ये भी पूछेंगे कि भाई पुष्कर धाम में जिसको सवाल पूछेंगे ये भी पूछेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी आपने बोला था कि डबल इंजन की सरकार को वोट दो, तो वो भी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। देखिए लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन का क्या फायदा है, डबल इंजन का फायदा मैं गिनाता हूं आपको। देखिए डबल इंजन का फायदा है कि अभी एक पहले वाले प्रश्न में मैं आपका पूरा जवाब नहीं दे पाया था जिसमें आपने कहा था कि कोर्ट भी बीच में आ जाता है, लोग माननीय न्यायालय में चले जाते हैं। चार धाम जो ऑल वेदर रोडें बनी हैं उसको लेकर लोग माननीय न्यायालय में गए, हमने सरकार उसके मजबूती से खड़ी हुई कि ये निर्माण कार्य होना चाहिए, आज ऑल वेदर चार धाम रोडें बनकर तैयार हो गई हैं। लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए चार धामों की यात्रा करना बहुत आसान हो गया, बहुत सुगम हो गया, बहुत सरल हो गया। ये डबल इंजन है। डबल इंजन का मतलब है कि केदारनाथ में 2013 में भयंकर आपदा आ गई थी, पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था, आज वहां पर पूरी तरह से नया निर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो गया है और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि से लेकर अनेकों काम भव्य और दिव्य केदार बन गया है। ये डबल इंजन का है। डबल इंजन का मतलब है बद्रीनाथ में मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। डबल इंजन का मतलब है जो हमारे सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल हेमकुंड साहब, जहां की यात्रा 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा, दो दिन तीन दिन चार दिन लगते थे, जो बुजुर्ग लोग जो हमारे हेल्थ जिनकी फिट नहीं होती है उनको बहुत कठिनाई उस यात्रा में होती थी, वहां आज आने वाले समय में लिफ्ट की योजना बन गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। ये डबल इंजन का, यह भी डबल इंजन है। डबल इंजन यह भी है गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए, वह भी केबल कार की व्यवस्था होने जा रही है, यह डबल इंजन है। डबल इंजन का मतलब है ऋषिकेश में एम्स चालू हो जाना। डबल इंजन का मतलब है उत्तराखंड में ही दूसरा एम्स कुमाऊं रीजन के लिए भी स्वीकृत हो जाना, यह डबल इंजन है। डबल इंजन का मतलब है देहरादून का हवाई अड्डे का विस्तार हो जाना। डबल इंजन का मतलब है आने वाले समय में आप देहरादून से दिल्ली की यात्रा या दिल्ली से देहरादून की यात्रा ऊपर से नहीं करेंगे, ऊपर से मतलब हवाई यात्रा, आप रोड से ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां से आप एयरपोर्ट जाएंगी लगभग दो घंटे पहले जाना पड़ता है हमको, दो घंटे पहले जाना पड़ता है, एक घंटा फ्लाइट का टाइम, एक घंटा
वहां से कहीं जाने का, मतलब सब मिला के 5 घंटे लग जाएंगे। और जो अभी एलिवेटेड रोड बन रही है देहरादून से दिल्ली की, वो जैसे ही तैयार हो जाएगी आप 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय कर पाएंगी। ये डबल इंजन है, अगर डबल इंजन ना होता तो ये सब ना होता। तो इसलिए डबल इंजन का मतलब लोग समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, HMT की जमीन है, जमरानी बात परियोजना है, लखवाड़ बात परियोजना है, ऐसे अनेकों काम जो रुके हुए थे वो सारे के सारे हो रहे हैं। अगर डबल इंजन ना होता तो ये संभव ना होता, इसलिए लोग जानते हैं डबल इंजन का फायदा। और हम लोग डबल इंजन को और ज्यादा गति देने का काम करेंगे और मजबूती देने का काम करेंगे। आपने चार धाम यात्रा की बात की, हाईवे की बात की, इसके बारे में मैं स्पेशली आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बहुत इन्वेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में। हमने देखा है उनको, वहां उन्होंने विजिट भी किया है, उन्होंने इस बात की जिक्र भी किया था कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी उसके बाद जिस तरीके की अनदेखी की गई, जिस तरीके से रेस्टोरेशन होना चाहिए था वो नहीं किया गया था, तो जिस तरीके से उसको पूरा रिस्टोर किया गया है, उसको पुनर्स्थापित किया गया है, उसके पीछे क्या सोच थी, आप हमें अंदर की कहानी बताइए कि किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया गया और उसके पीछे सिर्फ एक गवर्नमेंटल डिसीजन नहीं था, एक पर्सनल आस्था का भी ये विषय। देखिए, मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और ये मैंने स्वयं उनके साथ जितनी बार भी मैं केदारनाथ की यात्रा में गया हूं तो मैंने देखा है, वो कभी भी केदारनाथ की, बाबा केदार की यात्रा पर आते हैं तो मैं समझता हूं कभी वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आते हैं। वो जब भी आते हैं उस यात्रा में एक भक्त के नाते आते हैं, शिव भक्त के नाते। और 2013 में जब आपदा आई थी उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस समय भी जो सरकार थी उत्तराखंड में, उस समय में उन्होंने पेशकश करी थी कि मैं केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम करना चाहता हूं। तो उस समय स्थितियां नहीं बन पाई, लेकिन 2014 में आम चुनाव हुए, बाबा केदार की कृपा से, कहिए भगवान की कृपा से, देश की जनता की कृपा से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और उनके हाथों ही ये काम होना था। मैं इसके पीछे केवल एक ही बात कह सकता हूं कि बाबा अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं, इसलिए उन्हीं को अवसर दिया, और उनके नाते आज जो है पूरी देश दुनिया के अंदर बाबा केदार का भव्य और दिव्य प्रांगण बन गया है। पर कांग्रेस तो कहती है कि सबसे बड़े शिव भक्त देश में राहुल जी हैं। वो सभी जानते हैं राहुल जी कौन से वाले भक्त हैं। हम अगर नहीं जानते तो आप ही बता दीजिए, उन्होंने तो यात्रा भी की थी। देखिए, मैं यात्रा के बारे में यही कहूंगा, मैं उनको आजकल देखता हूं कभी कभी, कहीं दिख जाता उनका फोटो, तो दाढ़ी बढ़ा के कोई भी जो है नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता है। तो आपको दाढ़ी के पीछे नरेंद्र मोदी जी बनने का उनका सपना दिख रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी बनने के लिए देखिए जीवन में अनुशासन चाहिए, जीवन में त्याग चाहिए, जीवन में कर्म चाहिए, और स्वयं को तपाना पड़ता है, स्वयं को लगाना पड़ता है, और जीवन में वो संकल्प चाहिए कि जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को केवल और केवल देश की सेवा में, लोगों की सेवा में, मां भारती की सेवा में अर्पण करना पड़ता है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब आप अपने स्टेट के डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी स्टेट पर्यटन के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी इकोनॉमी के लिए, आपने इकोनॉमी इकोलॉजी के बैलेंस की बात की थी, एक तो बात हो गई कि आप कैसे रोड वगैरह बनाए, दूसरा ये होता है कि एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि ये शहर खराब हो रहा है। जैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि जब नैनीताल में हम लोग जाते थे बचपन में, तो नैनी झील बहुत सुंदर हुआ करती थी, वो इलाका खाली हुआ करता था, हम ऊपर स्कूल तक जाते थे, तल्लीताल मल्लीताल। फिर एक ऐसा वक्त आया कि नैनीताल में चलना दूभर हो गया। तो कैसे आप एज मुख्यमंत्री ये इंश्योर करेंगे कि आपका स्टेट का डेवलपमेंट भी हो, टूरिस्ट फुटफॉल भी आए, पर नाश ना हो, जो शहर है और जो टाउन्स है उनका नाश ना हो जाए? देखिए, मैं शुरू में ही मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमारी पौराणिक चीजें हैं वो बनी रहें, जो हमारी पहले से चली आई संपदा है उस पर कोई भी छेड़छाड़ ना हो। मैं इस बात को
भली भांति महसूस करता हूं और भली भांति अपने कार्य व्यवहार में ला रहा हूं। जहां तक नैनीताल शहर की बात है, वो नैनीताल आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन जिस प्रकार से आबादी का एकदम से बोझ बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, उस पर दबाव बढ़ा है और राज्य गठन के बाद तेजी से दबाव बढ़ा है। और अभी हमने आपको, मैं बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है अभी, इन्हीं सब चीजों को देखते हैं कि नैनीताल जैसा खूबसूरत शहर, उसका जो पुराना स्वरूप है वो बना रहे, वहां की सुंदरता कम न हो बल्कि आने वाले समय में नए तरीके से वो शहर बने, उसके लिए हमने जो एक बहुत बड़ा दबाव होता था नैनीताल हाई कोर्ट का, उस हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने का निर्णय लिया है कि हम उसको हाई कोर्ट को जो है हल्द्वानी शिफ्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो दबाव है उस सरोवर नगरी में, उस पर्यटन की नगरी में, वहां पर न पड़े, लोगों के लिए अच्छा आवागमन हो, उनको पार्किंग का अच्छा स्थान मिले, रहने का अच्छा स्थान मिले, आने वाले जो सैलानी है उन सभी को एक अच्छा माहौल मिले, पर्यटन का एक अच्छा वो शहर मिले जिसके लिए वो जाना जाता था। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में हमने निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय लिया है। देश के कई हिस्सों में एक आध्यात्मिक सर्किट बनाने की बात हो रही है, जैसे कि एक रामायण सर्किट की बात हो रही है, यहाँ पे मथुरा वृंदावन को जोड़ने की बात हो रही है। जब उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड है, बट वहां पर कुछ ही ऐसे मंदिर हैं, कुछ ही ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो कि ज्यादा प्रचलित है। क्या ऐसा कोई टूरिज्म सर्किट उत्तराखंड में नहीं बन सकता है जो सारे मंदिरों को कनेक्ट करे, वो भी जो कि कम जाने जाते हैं? देखिए, चार धाम जो यात्रा सर्किट है वो हमारा प्रचलन में है अभी, और ये इस बार चार धाम यात्रा हमारी बड़ी ऐतिहासिक हुई भी है। लगभग मैं कहूंगा कि 50 लाख के करीब जो है तीर्थ यात्रियों ने इस बार चारधाम यात्रा में भाग लिया है, चारधाम यात्रा में अपने दर्शन किए हैं। लेकिन पूरा उत्तराखंड ही मैं कहूं कि टूरिज्म का, धार्मिक एक पूरा बड़ा सेक्टर है स्पिरिचुअल, और उसमें हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में ये चारधाम यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर चले। उसके लिए जो कुमाऊं क्षेत्र है जहां यहां चारधाम यात्रा चलती है, उसी की तर्ज पर एक हमारा मानसखंड हम कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पौराणिक मंदिर, आप अल्मोड़ा गई होंगी आपने देखा है, वहां चितई गोलजू हैं, घोड़ाखाल के गोलजू हैं, चंपावत में जाएंगी तो आपको चंपावत में जो मूल स्थान है गोलजू का वो मिलेगा, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, बाबा नीम करोरी का स्थान है, हाट कालिका का स्थान है, पाताल भुवनेश्वर है, बैजनाथ धाम है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, कोटगाड़ी मैया का मंदिर है, रणकोची मैया का मंदिर है, माँ बाराही का जो बगवाल खेली जाती है पूरे उसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, ऐसे अनेकों स्थान है। इन सारे स्थानों को जोड़कर और आने वाले समय में जो हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में वह यात्रा पूरे जहां हल्द्वानी से, टनकपुर से, बनबसा से, पिथौरागढ़ से होती हुई, अल्मोड़ा से होती हुई चारधाम यात्रा वो की तर्ज पर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सड़क मार्ग से होगी। कब तक हो पाएगा? जल्दी ही होगी, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, उत्तराखंड का एक और बहुत बड़ा विषय था जो अग्निवीर स्कीम आई थी, काफी उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ, और उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां के लड़के जाकर के फौज में भर्ती नहीं होते होंगे। क्या आपको डर है कि अभी भी उसको लेकर के रिजेंटमेंट और गुस्सा है कि ये 4 साल की स्कीम हो गई है? देखिए, उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं और ये सभी को शंका थी शुरू में कि अग्निवीर जब आई थी तो लोग इसको किस रूप में लेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों से हमने सबसे पहले जनसंवाद शुरू किया था। जनसंवाद हमने, जो हमारे सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, उनके साथ 13 के 13 जिलों में हमने संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए, और उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं आई, क्योंकि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं और हमेशा से सेना एक बहुत बड़ा माध्यम है उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनके लिए परिवारों को चलाने के लिए, या मैं कहूँ आजीविका को चलाने के लिए। सेना में हमारे यहाँ से प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी के चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, भांजे हैं,
देश के किसी न किसी कोने में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड के लोग जानते हैं और सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि अधिक लोगों को अधिकाधिक अवसर मिलेंगे और एक व्यवस्थित जीवन शैली अग्निवीर के बाद आएगी। और हमने उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि जो लोग भी अग्निवीर में अपनी सेवा देने के बाद आएंगे उनको हम उत्तराखंड के हर सेक्टर में प्राथमिकता देंगे, पुलिस में, एसटीआरएफ में, चार धाम यात्रा मोर्ग में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, जो भी हमारे उपनल में, उन सभी को हम प्राथमिकता से जो है वहां पर सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। देश के पहले जो हमारे सीडीएस थे वो खुद ही वाज द सन ऑफ उत्तराखंड, सो अभी वाले सीडीएस भी और पहले वाले जनरल रावत साहब तो थे ही और अभी बने हैं जो चौहान साहब वो भी। And that just shows the kind of bond that the armed forces have with the state of Uttarakhand. But Uttarakhand has so much going for it. हमेशा एक राज्य रहा है जहां पर सांप्रदायिक भी सद्भाव हमेशा से रहा है। उसके बावजूद उत्तराखंड में यूसीसी जैसी लॉ की और यूसीसी जैसे मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है? वहां पर तो कभी ऐसी प्रॉब्लम रही ही नहीं है। पद्मजा जी, ये भी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और मैं बताना चाहता हूं कि 14 फरवरी 2022 को हमारा जनरल इलेक्शन होने वाला था और 12 फरवरी को मैंने उत्तराखंड की जनता के सामने संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही, नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर कोई काम करेंगे तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए ड्राफ्ट बनाएंगे, उस पर काम करेंगे और ड्राफ्ट को लागू करेंगे। इसके पीछे मैंने तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है, उत्तराखंड दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, उत्तराखंड धर्म संस्कृति अध्यात्म का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, हम सभी के लिए एक समान कानून लागू करेंगे क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं बचानी है। उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी रहे, कानून सबके लिए समान प्रकार की व्यवस्थाएं रहे, ये हमने पहले ही उत्तराखंड की जनता के सामने रखा और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आम चुनाव में अपना मैंडेट दिया, अपना बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव के तत्काल बाद नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहला कोई काम किया तो हमने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया और आज वो कमेटी हमारा काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा उनका हमेशा से मानना रहता है कि जो भी काम हो सबकी जन भागीदारी उसमें होनी चाहिए और आज हमारी जो कमेटी है वो लोगों से बात कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, ड्राफ्ट बना रही है और जैसे ही उनका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा उत्तराखंड पहला राज्य होगा गोवा के बाद जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। कब तक? बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं, कमेटी ने 6 माह का कालखंड अपना पूरा कर लिया है और चूंकि इसमें टाइम लग रहा है हम सारे हितधारकों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से भी बात कर रहे हैं और जनसंवाद के भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के भी विचार ले रहे हैं। बट सर कोई एक टाइमलाइन होगी? मैं इसलिए ये बार बार सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिनिसिज्म आ जाता है लोगों में। अभी देखा हमने कि भाई जैसे ही चुनाव पास आए वैसे अब गुजरात में भी यूसीसी की बात, हिमाचल में भी यूसीसी की बात, उत्तराखंड में यूसीसी की बात हुई चुनाव के जस्ट पहले, अब 6 महीना हो गया चुनाव का, अब लोग पूछ रहे हैं कब, कितना टाइम लगेगा इसमें? देखिए अभी 4 महीना हुआ है हमारी कमेटी को, 4 महीने का कालखंड हुआ है और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी काम होना चाहिए, केवल अगर चुनाव के लिए होता तो चुनाव के बाद तो हम चुनाव में सरकार बन गई थी, फिर हम क्यों करते? फिर 5 साल बाद पूछेंगे ना आपसे। नहीं नहीं, हम अभी करने वाले हैं, अगले 6 महीने में हम इसको ले आएंगे। 6 महीने का टाइम आपने बोला है, हम अगले कॉन्क्लेव में आपको फिर बुला के पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाल में बहुत ही एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें हमने टाइम्स नाउ पे आपसे बात भी की थी, उत्तराखंड की एक बेटी छावला में उसके साथ निर्भया से भी ज्यादा डरावना दर्दनाक उसके साथ हादसा हुआ, उसके साथ क्राइम हुआ और फिर उसके जितने रेपिस्ट थे सबका ना सिर्फ डेथ सेंटेंस कम किया गया, उनको छोड़ दिया गया।
उत्तराखंड की जनता आपसे पूछ रही है, आप एलजी के पास गए उनके उनके पिताजी के साथ, क्या उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलेगा, कब मिलेगा? देखिए माननीय न्यायालय का जब भी फैसला आया सभी स्तब्ध थे, हम सब स्तब्ध थे कि ये निर्णय किस प्रकार का हो गया। और उसके बाद हमने सभी से बात करी है, और बात करने के बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एलजी साहब का कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका के लिए अपनी सहमति प्रदान की, अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और हम पूरी तरह से अपनी बेटी के लिए, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, वो देश की बेटी है, उनके माता पिता के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, और उसके न्याय के लिए जहां भी हमें खड़ा होना होगा हम पूरी तरह से 100% उनके साथ खड़े हैं। जितने हमारे एफर्ट्स होंगे हम जरूर करेंगे उसमें। और आपको क्यों लगता है कि एक एक जो क्राइम जो इतना जघन्य था, जिस तरीके की डिटेल्स हम बोल भी नहीं सकते हैं, उसके साथ उस तरीके की बर्बरता की गई, किस वजह से, क्या जो शॉर्टकमिंग थी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई है कि जो सारे अक्यूज थे, जो सारे कॉन्विक्ट थे, उनको इस तरीके से छोड़ दिया गया? देखिए ये तो अब बाद में ही जब चीजों का सभी का आकलन होगा तो उसमें निकल कर आएंगी, लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से हमारा हर प्रयास रहेगा कि हमारी बेटी को न्याय मिले। मैं आपसे एक दो सवाल और ऑन द ब्रॉडर पिक्चर पूछना चाहती हूँ। उत्तराखंड, जब हम यूजुअली एलएसी की बात करते हैं तो एलएसी में यूजुअली लद्दाख की बात होती है, अरुणाचल की बात होती है, बट हम बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तराखंड में भी, और वहां पर कुछ महीने पहले एक डिसएग्रीमेंट हुआ था लिपुलेख को लेकर के भी। क्या अभी स्थिति है बॉर्डर पे, और क्या ये एक चिंता का विषय है आपको आपके सामने कि इस तरीके के नए नए इश्यूज बार बार उठाए जा रहे हैं, बिकॉज ये लार्जली एक सेटल्ड बाउंड्री थी? देखिए वो तो पूरे देश के अंदर, चूंकि जो लद्दाख का बॉर्डर हो या सियाचिन का बॉर्डर हो या लिपुलेख का बॉर्डर हो, जहां भी इस प्रकार की स्थितियां हैं वहां पर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन हमारी सेना बहुत बेहतर काम कर रही है, हमारे जो लोग जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वह भी सेना के साथ साथ केवल एक नागरिक के रूप में नहीं, नागरिक के साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि सीमांत के प्रहरी भी बने हुए हैं। इसलिए हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के सैनिक अपने मोर्चों पर तैनात हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और लिपुलेख में भी ये स्थिति है, लगातार हमारे वहां पर जो विकास के कार्य हैं उस वहां तक जाने की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, सब पर काम चल रहा है तेजी से। इंडिया नेपाल बॉर्डर, अब आखिरी में आपसे पूछूंगी कि आपका इन एडिशन टू आपने जो कार्यभार आपका है एज चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा आपको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टार कैंपेनर के तौर पे भी, आपके थॉट्स बिफोर आई लेट यू गो, क्या होने वाला है दिल्ली के चुनाव में और एमसीडी के चुनाव में? बाय द वे मुख्यमंत्री क्यों प्रचार कर रहे हैं? ये मैं हर मुख्यमंत्री से पूछ रही हूं कि हाल फिलहाल में हमने बीजेपी से पहले ये नहीं देखा था कि आपके भले से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो, कल को पंचायत के चुनाव में भी जाकर के आप प्रचार करने लगेंगे, ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी देखिए पार्टी है जो आज बूथ से नीचे जो पन्ना प्रमुख होते हैं वहां तक हमारी पार्टी चली गई है। दूसरी पार्टियां केवल बूथ तक जानती हैं और हमारी पार्टी के पन्ना प्रमुख भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मैं मुख्यमंत्री से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। उस कार्यकर्ता के नाते जहां पार्टी को जरूरत होगी या जहां पर लगेगा कि पार्टी को मेरी आवश्यकता है मैं जाऊंगा, और मैं समझता हूं दूसरे जो लोग आ रहे होंगे वह भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आ रहे हैं। तो क्या आपका प्रेडिक्शन है एमसीडी के लिए, इतना प्रचार कर रहे हैं आप? लोगों ने देखा है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर तुष्टीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से तमाम बड़े बड़े वायदे किए गए थे लंबे समय तक, लोगों ने ये सब देख लिया है। और दूसरी तरफ देश के अंदर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत की पहचान बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है, और गरीबों के लिए जहां घर घर शौचालय बनाने का काम हो, सबको उज्ज्वला का गैस देने का काम हो, या आयुष्मान भारत योजना में सभी को 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था करनी हो, घर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, ये बड़े काम जो केवल और केवल
देश के उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनको वास्तव में इन सब की आवश्यकता थी। और ये कोई खोखली योजनाएं नहीं है, देश में एक साथ इंप्लीमेंट हो रही हैं। वो इस आधार पर नहीं बन रही है योजनाएं कि कौन किस धर्म का है, किस मजहब का है, पूरे देशवासियों के लिए एक समान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का घोष वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता भी उसको समझ रही है। और एमसीटी में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने वाली, मैं तो अभी चूंकि एक कार्यक्रम में गया था और उस कार्यक्रम में मैंने देखा कि जिस प्रकार से लोग घरों से बाहर आ रहे थे, जिस प्रकार का उत्साह था, मुझे कोई संशय नहीं है कि ये पूरी तरह से आज एमसीडी में कमल खिलने वाला है, भाजपा यहाँ जीतने वाली है। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं एमसीडी में, उससे मेरे को याद आ गया कि आपने तो एक सर्जिकल स्ट्राइक आम आदमी पार्टी पे उत्तराखंड में भी की थी, उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को आपने बीजेपी में ले आए। उत्तराखंड के अंदर में आप कर्नल कोठियाल मुख्यमंत्री बनने वाले थे, आम आदमी पार्टी से आप उनको भाजपा में ले आए। कर्नल कोठियाल जी चूंकि वो राजनीतिक रूप से वो कुछ दिनों के लिए वहां चले गए थे, लेकिन जब वो आए तो मैंने उनसे सबसे पहले यही प्रश्न किया कि आप कर्नल साहब, आप इतने बढ़िया आदमी, आप चले क्यों गए? बोले भाई साहब, स्वभाव से जो है वो पार्टी से मेरा बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और पार्टी में आने से पहले उन्होंने मुझसे जो बात करी, बोले कि जो मेरा स्वभाव है, जो सैनिक का स्वभाव होता है या सेना के लिए जो माहौल होता है, वो बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी में नहीं है, और मैं तो जो है अब वहां नहीं रह सकता। और उन वो आए और हमने उनका सबका स्वागत किया यहाँ पर। और वो कर्नल कोठियाल साहब ही नहीं आए, उनकी पूरी पार्टी आ गई, जितने लोग वहां गए थे सारे के सारे वापस आ गए। आखिरी सवाल आपसे एक पर्सनल सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से उसको कार्व आउट किया गया, पर उत्तर प्रदेश के जो करंट मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड ने दिए हैं, क्या कहेंगे आप इस रिश्ते के बारे में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमें बड़ा, अभी भी विजिट करते हैं योगी जी अपना घर, अपना गांव? योगी जी जब आते हैं वहां उत्तराखंड, आपके साथ तो प्रचार भी किया उन्होंने? योगी जी प्रचार में तो आते ही हैं, प्रचार के अलावा भी आए थे। और जब वो उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड से जब वो जा रहे होते हैं, तो मैंने उनसे कहा था हरिद्वार के कार्यक्रम में, 3 दिन रहने के बाद जब वो वापस जा रहे थे, तो मैंने कहा, मैं उनको जनरली महाराज जी बोलता हूँ, मैंने कहा महाराज जी आज वापस आप जाने वाले हैं और हमको जो है बहुत उदास लग रहा है कि आप जाने वाले हैं। तो मैंने कहा हर उत्तराखंडवासी को आपसे जो है यही लगता है कि आप एक दिन, दो दिन के लिए ना आए, कुछ ज्यादा दिनों के लिए यहाँ आए। तो निश्चित रूप से सर, हर उत्तराखंडवासी को उन पर गर्व है कि वो उत्तराखंड में पैदा हुए हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Well, you can take somebody out of Uttarakhand, but you can't take Uttarakhand out of the person. Thank you very much, Pushkar Dhami ji, हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद रहेगी यूसीसी की डेडलाइन के बारे में भी आपसे पूछेंगे, और ऑफकोर्स प्रदेश के 25 साल के बारे में भी आपसे फिर दोबारा बातचीत। जी, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।